हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवांग भारद्वाज। और आज जो वीडियो मैं आपका लेकर आया हूँ वो वीडियो है आपकी सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर की, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जो कि आप जिन लोगों ने दिया है पेपर या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से मालूम है। और इसका जो समय होता है वो 2 घंटे का होता है, लेकिन इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन 2 सेक्शनों में ये पेपर डिवाइड होता है। जो सेक्शन ए होता है वो आपका टेक्निकल का होता है, टेक्निकल का जो होता है वो सेक्शन ए होता है, और जो सेक्शन बी होता है वो जनरल का होता है, यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स जो होती है, जीके होती है, रीजनिंग वगैरह जो होती है वो सेक्शन बी में आता है। दोस्तों, ये सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम पेपर 2019 में हुआ था वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन है जो सेक्शन ए के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की मैं अब ये वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ वीडियो। NSCL एग्रीकल्चर एग्जाम 2019 जो कि 2019 में हुआ था, एग्रीकल्चर सीनियर ट्रेनी सेक्शन ए 70 क्वेश्चन जो कि हैं, सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। 1 नंबर पे है बाजरा बोने का समय है, तो बाजरा बोने का जो समय है वो अगस्त माह का समय है, अगस्त माह में बाजरा बोया जाता है। 2 नंबर है बरसीम की बुवाई का समय, बरसीम की बुवाई का समय अक्टूबर माह है। 3 नंबर है बोने के लिए उपयुक्त आलू के कंदों का शोषण करना चाहिए, तो किसमें शोधन या शोषण करना चाहिए वो एरिटान से हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मूंगफली की बीज दर, मूंगफली की बीज दर जो होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 5 नंबर है गन्ने की कतार से कतार की दूरी है 75 से 90 सेंटीमीटर है। 6 नंबर पे आपका है DVW-14 यानी DVW-14 प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है, ये गेहूं की प्रजाति है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है मक्के को उगाया जा सकता है, मक्के को हर एक मौसम में उगाया जा सकता है, रबी के, खरीफ के और जायद की फसल में भी, तीनों में उगाया जा सकता है। 8 नंबर है निम्न किस फसल में गर्मी में HCN बनता है, तो ज्वार जिसे हम सोरगम कहते हैं उसमें गर्मी में HCN बनता है। 9 नंबर है आपका निम्न किस मिट्टी में जलधारण क्षमता अधिक होगी, तो किले दोमट मिट्टी में जलधारण क्षमता अधिक होगी। 10 नंबर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम संबंधित है, उत्तर है द्वितीयक पादप पोषक तत्व वर्ग से संबंधित है। 11 नंबर DAP में नाइट्रोजन की मात्रा, उत्तर है 18% होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल में लवण की सांद्रता 0.16 ग्राम प्रति लीटर से कम होने पर क्या होता है, तो ये सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। 13 नंबर है अमोनियम सल्फेट में होता है, अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बलुई दोमट भूमि में किले की प्रतिशत मात्रा होती है 20 से 30% होती है। 15 नंबर है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे आवश्यक क्रांतिक अवस्था है ताज मूल जड़ निकलते समय, ये गेहूं में सबसे अधिक सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था है। 16 नंबर है धान की फसल में नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय, तो नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के लिए बालियां बनते समय यानी पेनिकल इनिशिएशन। 17 नंबर है गेहूं के भूसे में पाच्य क्रूज प्रोटीन होती है, तो गेहूं के भूसे में पाच्य क्रूज प्रोटीन जो होती है 0% होती है, 0.0% होती है। 18 नंबर है निम्न किस पशु का गर्भकाल सबसे अधिक अवधि का होता है, तो भैंस का गर्भकाल सबसे अधिक अवधि का होता है। 19 नंबर है ब्लैक हार्ट एक दहकीय विकार है, किसका है, ये आलू का विकार है। 20 नंबर है शकरकंद किस कुल से संबंधित है, तो शकरकंद जो है वो कान वाल्वुलेसी कुल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाने वाली सब्जी है मिर्च, मिर्च में विटामिन सी बहुत अधिक पाया जाता है। 22 नंबर है निम्न में कौन बैगन में छोटी पत्ती रोग उत्पन्न करता है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बैगन में छोटी पत्ती रोग उत्पन्न करता है। 23 नंबर है डायमंड बैक मॉथ प्रमुख कीट है, डायमंड बैक मॉथ जो प्रमुख कीट है वो फूल गोभी का है। 24 नंबर है टमाटर की बीज दर है, टमाटर की बीज दर जो है वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है।
25 नंबर है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग्य। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग्य जो है वो कर्ज कहलाता है। 26 नंबर है, पूसा केसर किस्म है, पूसा केसर जो है वो गाजर की किस्म है। 27 नंबर है, एलरी पेशियां पाई जाती हैं, एलरी पेशियां जो है तिल चट्टा यानी कि कॉकरोच में पाई जाती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में आवासय भाग होता है, कीटों में आवासय भाग जो होता है वो मध्यांत्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रिपल यू यानी यू यू और यू, ट्रिपल यू निम्न के लिए एक कोडॉन है, तो फिनाइल एलेनिन के लिए एक कोडॉन है। 30 नंबर है, गेहूं में आरएसटी जीन जो होता है वो टॉम थंब जीन होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, उच्च ग्लूटेन गेहूं की किस्म पहचान करें, तो उच्च ग्लूटेन गेहूं की पहचान वो है, गेहूं की किस्म जो है वो एनपी 852 है। 32 नंबर है, शंकर चावल के जनक है, शंकर चावल के जनक जो है लॉन्गपिंग युआन है। 33 नंबर है, मकई में सबसे छोटा क्रोमोसोम्स है, मकई में सबसे छोटा क्रोमोसोम्स संख्या 10 है। 34 नंबर है, संकर वर्गीकरण प्रजनन की निम्न दर पर आधारित एक विधि है, तो ऊतक संस्कृति, संकर वर्गीकरण जो है प्रजनन की ऊतक संस्कृति पर आधारित विधि है। 35 नंबर है, मूली निम्न कारण से परपरागरित होते, तो उत्तर है इसका बीजाणु उद्भकीय स्व असंयोजित्या, इसके कारण मूली परपरागत होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, सरल क्रासों का मिश्रण कहलाता है, तो सरल क्रासों का मिश्रण जो है संयुक्त क्रास कहलाता है। 37 नंबर है, निम्न में कौन सी फसल तेल भी पैदा करती है, मकई जो है वो तेल भी पैदा करती है। 38 नंबर है, चावल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए कौन सी विशेषता की जरूरत नहीं है, तो चावल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए परिपक्वता के लिए देम, ये हर एक फसल के लिए है कि किसी भी फसल की पैदावार का अनुमान के लिए परिपक्वता के दिन से वैल्यू नहीं लगती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आकुंचन यानी फ्लैक्स निम्न के साथ मेल खाता है, तो अलसी के साथ ये मेल खाता है। 40 नंबर है, निम्न में कौन सोयाबीन की किस्म है, तो ब्रैग जो है वो सोयाबीन की किस्म है। 41 नंबर है, निम्न में कौन एक मकई संकर है, तो गंगा दो जो प्रजाति है वो मकई संकर की प्रजाति है। 42 नंबर है, काले चने का वैज्ञानिक नाम क्या है, काले चने का वैज्ञानिक नाम जो है वो फेजियोलस मूंगो है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, बियर बनाने के लिए आमतौर पर कौन से अनाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पर जौ या जिसे वरले बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। 44 नंबर है, चावल का खैरा रोग निम्न की कमी के कारण पैदा होता है, जायडन यानी जिंक की कमी के कारण खैरा रोग पैदा होता है। 45 नंबर है, पौधों में कौन सा तत्व रोग सहिष्णुता प्रेरित करता है, तो पौधों में के यानी पोटेशियम जो है वो रोग सहिष्णुता प्रेरित करता है। 46 नंबर है, जो पौधे उच्च लवणता स्थितियों के लिए सहनशील होते हैं वे कहलाते हैं, तो वो लवण मृदोद्भिद यानी हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पारिवारिक ग्रामणी की खरपतवार की पहचान करें, तो इसके फेलरिस माइनर कहलाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, पछेती अंगमारी रोग किससे संबंधित है, तो पछेती अंगमारी आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पराग कोष से बीज विकसित किए जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पराग कोष से बीज विकसित किए जाने की प्रक्रिया जो है वो पुंजनन कहलाती है। 50 नंबर है, निम्न एक बीजोद रोग है, तो जो बीजोड़ रोग है वो गेहूं का अनावृत कंजुआ रोग है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिवारिक क्रूसीफेरी से संबंधित है, तो सलजम जो है वो पारिवारिक क्रूसीफेरी से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, बीज प्रौद्योगिकी में ईयर EAR शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है पुष्प क्रम की किस्म ER से संबंधित है। 53 नंबर है, अर्गट निम्न का एक नामोदिष्ट रोग है, तो अर्गट जो है वो बाजरा का नामोदिष्ट रोग है। 54 नंबर है आपका, जौ में नामोदिष्ट रोग अभियोज्य फसल पौधा है, तो ओट्स का, जौ में नामोदिष्ट
अभियोज्य फसल पौधा जो है वो ओटस है। 55 नंबर आपका, निम्न में से कौन एक फाइटोएलेक्सिन नहीं है, तो डार्मिन जो है वो फाइटोएलेक्सिन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न पादपीय रोगों में कौन सा रोग कवकीय उद्गम का नहीं है, तो लाल किट रोग जो है वो कवकीय उद्गम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में गेहूं किट की प्रजातियों के विकास के लिए निम्न में से किसे सर्वाधिक आरोपित किया जाता है, तो पैरालैंगिकता को सर्वाधिक आरोपित किया जाता है। 58 नंबर है, निम्न में कौन सा रोग को शुष्क मृदा स्थितियों से प्रोत्साहन प्राप्त होता है, तो आलू का सामान्य स्कैब रोग जो है वो शुष्क मृदा स्थितियों से प्रोत्साहन मिलता है इसे। 59 नंबर है, निम्न में से कौन से रोग का विकास छाया से प्रोत्साहित नहीं होता है, यानी मटर का चूर्ण मिल्ड्यू जिसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं वो छाया से प्रोत्साहित नहीं होता है। 60 नंबर है, निम्न पादप रोगों में से कौन सा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का प्रयोग करने से सामित हो जाता है, चावल प्रध्वंस जो है वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का प्रयोग करने से सामित हो जाता है। 61 नंबर है, निम्न केला रोगों में कौन सा रोग जीवाणुविक उद्गम का है, तो मोको रोग जो है वो जीवाणुविक उद्गम का है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन है, करबद्ध कीट यानी मेंटिस का शिकार करने के लिए किस तरह का शीर्ष पाया जाता है, तो हाइपोगेंथस शीर्ष पाया जाता है। 63 नंबर है, न्यूनतम स्थिर कीटनाशी है, न्यूनतम स्थिर कीटनाशी जो है वो एंडोसल्फीन है। 64 नंबर है, पायरेला निम्न से संबंधित है, पायरेला जो है फाल्गोरिजी से संबंधित है। 65 नंबर है, निम्न में कौन वास्तविक मक्खी नहीं है, तो कपास श्वेत मक्खी जो है वो वास्तविक मक्खी नहीं है। 66 नंबर है, कौन सा कीड़ा मिट्टी में अंडे देता है, तो आम का मिलीबग जो है वो मिट्टी में अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पिचकी एंटीना यानी प्लूमोस एंटीना जो है निम्न में पाया जाता है, वो नर मच्छर में पिचकी एंटीना पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, गन्ने की मूल वेदक को वैज्ञानिक शब्दावली में कहते हैं, तो इसे इमालोसेरा डेप्रिसेला कहते हैं। 69 नंबर है, पुष्पन अवस्था में सरसों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परजीवी है, तो माहू जिसे हम एफिड बोलते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण परजीवी है। 70 नंबर है, चावल संयंत्र में चावल की गंधीवक निम्न के दौरान अधिकतम संख्या में पैदा होती है, तो दूधिया अवस्था में अधिकतम पैदा होती है। दोस्तों ये 70 क्वेश्चन हुए सेक्शन ए के, आगे मैं और दूसरे एग्जाम्स के पेपर और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जब दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी और अधिक नॉलेज मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा स्टडी विद भारद्वाज के साथ।